नमस्कार किसान भाई। किसान भाई आज की वीडियो में बताता हूँ। एक किसान भाई पूछ रहे थे कि स्टार्टर से मोटर ऑटोमेटिक बंद हो रही है, क्या कारण है? कहने मतलब स्टार्टर अपने आप बंद हो रहा है, मोटर को अपने आप बंद कर दे रहा है, तो क्या कारण से? दोस्तों इसमें मोस्टली दो ही कारण होते हैं जिस वजह से मोटर आपकी ऑटोमेटिक बंद होती है। इन दोनों ही कारण में लोड का ही सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम होती है। पहला कारण होता है कि मोटर अगर हैवी लोड ले रही है, आपके कनेक्शन सारे सही हैं, मोटर हैवी लोड ले रही है, उस वजह से भी बंद हो सकती है। उदाहरण की बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी 15 HP की मोटर है या फिर बड़ी भी मोटर है, आपने 15 HP का स्टार्टर लगा रखा है, अगर आपकी मोटर 40 MPA से ज़्यादा लोड लेगी तो स्टार्टर ऑटोमेटिकली करीबन 1 से 2 मिनट या 5 से 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली आपको स्टार्टर आपकी मोटर को बंद कर देगा। इसमें कोयल्स लगी होती है जो कि हीट होने के बाद बंद करता है। जैसे कई ऐसे भी होती है हमारे घर में कि हाथों हाथ जैसे कोई शॉर्ट सर्किट या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हाथों हाथ बंद हो जाए, बट इसमें दूसरा सिस्टम होता है, इसमें प्लेट्स लगी होती हैं जो कि हीट होने के बाद शट डाउन होता है। तो अब बात करते हैं दूसरा क्या कारण होता है। दूसरा कारण दोस्तों, मोटर के अंदर जो हमारे सबमर्सिबल 3 फेज की मोटर होती है, स्टार्टर से 6 तारे जाती है मोटर की तरफ, उन 6 तारों में से अगर एक भी तार खुलती है तो उस समय मोटर सीधा बंद नहीं होती, थोड़ी देर चलती है फिर बंद होती है। ऐसा है कि अगर मान लीजिए एक तार आपके नीचे से खुल गई, जहाँ पर आपने मोटर डाली, मोटर के पास में जॉइंट होते हैं 6, वहां से अगर एक तार भी खुल गई और आपने मोटर चलाई, मोटर चलेगी ठीक है, पर मोटर लोड हैवी लेगी, हद से ज्यादा लोड लेगी। जैसे कि मान लीजिए आपको 25 का लोड ले रही थी, उस समय आपको कम से कम 40 के आसपास लोड देखने में मिलेगा, तो वो लोड निरंतर उतना ही बना रहेगा और स्टार्टर जब हीटिंग उनकी कॉइल जब हीट हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली बंद कर देता। तो इसका एक ही रीजन है कि आपको मोटर को निकालने का वहां से जॉइंट चेक करने के। दूसरा, स्टार्टर के पाइप से भी हम जॉइंट चेक कर सकते हैं कि मोटर के साथ तारे लगी हुई है या नहीं लगी हुई, ये आपका मतलब बल्ब से के द्वारा चेक हो सकता है। दूसरा, अगर मोटर शुरू से ही आपने जिस दिन पहले दिन ही डाली है और आपने तारे सही जोड़ी थी, सीधी डाली मोटर, उसी दिन ही प्रॉब्लम आ रही है। एक होता है कि आपने जैसे मोटर पहले से काफ़ी 2 साल से 1 साल से या 6 महीने से सही चल रही थी, अचानक से कल से ये दिक्कत आ रही है, कभी एक दिन से दिक्कत आ रही है, तो उसमें होगा कि मोटर की किसी एक तार खुल गई है, क्योंकि नीचे की तरफ राउंड मतलब मोटर जब पानी खींचती है तो वहाँ पर घुमाव का सर्कल बनता है, वहाँ पर मिट्टी या कई और चीज़ों की वजह से भी वहाँ पर मतलब तार का जॉइंट खुल सकता है। अगर आपने पहली बार ही मोटर डाली और उस समय ही दिक्कत आ गई है कि आपके भाई आज ही मोटर डाली और चल नहीं रही है, थोड़ी देर चल रही है ऑटोमेटिक बंद हो रही है और मोटर धीरे धीरे लोड ज़्यादा बढ़ा रही है, तो इसका यही कारण है कि दोस्तों आपका जो मोटर है उसमें प्रॉब्लम है, इसका बैरिंग भी टूटा हो सकता है या और भी कई प्रॉब्लम हो सकती है, उस वजह से भी स्टार्टर बंद कर देता है। अगर आपका स्टार्टर के अंदर एक बटन लगा होता है जिससे कि आप HP थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि इतने लोड से मतलब 40 MPA लोड से भी ज़्यादा अगर जाए तो बंद ना हो, इसमें इतना है कि मोटर आपकी चल जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये एक सेफ्टी फीचर होता है स्टार्टर के अंदर कि अगर मोटर हैवी लोड ले तो मोटर को बंद कर दे स्टार्टर ऑटोमेटिकली। नहीं तो होता क्या दोस्तों, कभी भी बंदा मोटर चलाने के बाद मोटर के पास नहीं बैठता, वो दूर चला जाता है, पानी लगाता है, जो भी करता है, बट अगर हैवी लोड लेगी तो मोटर चल जाएगी, पर इसके लिए स्टार्टर में ही ये फीचर लगा हुआ था, इसलिए स्टार्टर मोटर को बंद कर देता है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको जल्द ही रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।